रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो तो कहते हैं ना कि राम जी तो कण कण में बसे हुए हैं, वो दिखावा नहीं करते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। किसे कह रहे हैं बाबर की औलाद? नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूँ विशाल। जैसा कि मैं आपको लगातार अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में, और हमारे साथ में हैं महंत राजू झा जी, जिनको आप नेशनल टीवी मिनिस्ट्री मीडिया में देखते होंगे। तो महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूरे देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातनों के लिए मंगल कामना करते हैं। और जिस प्रकार से लगातार अयोध्या सज रही है, सवर रही है, आगे बढ़ रही है, ये बहुत उत्साह की बात है। और इतने वर्षों के त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया है, तो हम लोग आह्लादित हैं, उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं कि टाट से ठाठ तक परमात्मा की यात्रा, और उसमें कैलाश ऊपर राम भक्तों के प्राणों की आहुति देने के बाद ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया है। जी, मैं भी क्या है कि इस बार फर्स्ट टाइम आया हूँ अयोध्या में मंदिर में, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के बारे में? कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है, और आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, देखेंगे तो हनुमान जी राम जी के चरण में बैठे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो श्री हनुमान जी राजा के रूप में आगे विराजमान हैं, और सभी भक्तों की मनोकामना श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। यहाँ रोजाना कई लाख राम भक्त दर्शन और पूजन करते हैं, और वो राम भक्त, जो राम भक्त लगातार सनातन के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए अपने आप को प्रेरित करके भगवान राम के चरणों में समर्पित करके, और आज ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया है, तो भगवान राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो श्री हनुमान जी महाराज का यहाँ राज्याभिषेक हुआ है। श्री हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक इसलिए हुआ क्योंकि माता श्री सीता जी ने श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधिसुत हो, अजरता का, अमृतों का और पुत्रवत आशीर्वाद पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने आशीर्वाद से जगत जननी माँ जगदम्बा सीता ने हनुमान जी महाराज को दिया था। इसके नाते यहाँ पर हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान हैं। लाखों राम भक्त रोज आते हैं, और क्योंकि अजर और अमर हैं, सदैव यहाँ पर इनका वास है। हनुमान जी अक्सर ही 24 घंटे में कुछ यहाँ आया करते हैं, जाया करते हैं, क्योंकि राजतिलक हुआ है, राजा के रूप में बैठे हैं। तो जय श्री राम का धुन आप लोग सुन रहे हो, करोड़ों करोड़ों आस्था के प्रतीक का केंद्र हनुमानगढ़ी, और यहाँ पर हनुमान जी राजा के रूप में भक्तों की सेवा करते हैं। मैं जी 22 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम है, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, जिसमें अपने क्षेत्र के दिग्गज आने वाले हैं, तो कैसा प्रोग्राम होने वाला है, क्या कुछ रहेगा? 22 तारीख को प्रोग्राम भव्य मंदिर का उद्घाटन है, और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की कलश और नवग्रह पूजन, इसके अलावा जो भी विधि विधान है सनातन परंपरा का, उसका पालन करते हुए वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मैं जी, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि अभी मंदिर पूरा भी नहीं हुआ है, जो इंडिया गठबंधन के हैं, दूसरे हैं कि जो है भाजपा आरएसएस जो है राजनीति कर रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव निकट हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा तो शुरू से कहती थी मंदिर हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन्होंने बनाने का काम शुरू कर दिया। वो जो कहती थी वो करती थी, विपक्ष तो कहती थी बाबरी मस्जिद बनाएंगे, यही उनको तकलीफ और कोई बात नहीं। उनका कहना है कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है, तो क्यों आप पहले ही मतलब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं मंदिर पूरा होने से पहले? सोमनाथ मंदिर में भी 8 साल पहले पूजन हो गया था, 8 साल बाद सोमनाथ मंदिर बनकर तैयार हुआ था। कितना दिन बाद? 8 साल बाद। कितना दिन बाद? 8 साल बाद। 8 साल बाद आप सर्च करना, आपको पता चलेगा 8 साल बाद बनकर तैयार हुआ था। और ये मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, ये जन्मभूमि की बात है, और जन्मभूमि किसी का एक जगह होता है, 1000 जगह नहीं होता है। इसके नाते उस जन्मभूमि की बात के लिए जिस प्रकार से विपक्षी राजनीति कर रही है,
मुझको लगता है विपक्षी को इस हिसाब से राजनीति नहीं करनी चाहिए। जैसे विपक्षी पार्टियों ने मतलब उसमें कुछ दल हैं जिन्होंने आने के लिए मना कर दिया है कि जब प्रभु बुलाएंगे जब हम जाएंगे, किसी के इन्विटेशन से हम नहीं जाते। प्रभु उनको नहीं बुलाएंगे, ये पापी लोग हैं, ये कालनेमी लोग हैं, ये गिरगिर जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं, ये महापापी हैं। भगवान राम को इतने दिनों तक टेंट में रखा, भगवान राम को काल्पनिक कहा, इसके नाते ये मंदिर नहीं आ सकते और भगवान इनको नहीं बुला सकते। जनता के अंदर एक जो मतलब राम भक्त है उनके अंदर तो पूरा उत्साह है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी है थोड़ी सी। घमंडिया गठबंधन के अंदर घमंड ही बढ़ा हुआ है और रामद्रोही हैं, सनातन द्रोही हैं, इसके नाते उनको अयोध्या में कोई काम नहीं। अयोध्या आवे तो अयोध्यावासी उनको जूता का माला पहनावे, मुँह में करखा लगावे, उनको ठीक करें, तभी ये मानेंगे। क्या लगता है मैन जी, जो पूरा जो काम है राम मंदिर का कब तक समाप्त हो जाएगा पूरा ये? ये अभी तो 67 एकड़ पहले मिला और इसमें बढ़ाकर 121 एकड़ हो गया है, उसको डेवलप करने में कई वर्ष लगेंगे, 5-7 वर्ष लगेंगे। तो क्या लगता है कि अब जो पहले विवाद चल रहा था मंदिर और मस्जिद का, अब समाप्त हो जाएगा वो? मंदिर मस्जिद का विवाद कब का खत्म हो गया? खत्म हो गया, ये तो बाबर के औलाद जिंदा करके रखे हैं। किसे कह रहे हैं बाबर की औलाद? बाबर की औलाद उन्हीं को कह रहे हैं जो रामद्रोही हैं, जो सनातन द्रोही हैं, जिनको अयोध्या अच्छा नहीं लगता, जिनको भगवान राम से प्यार नहीं, जिनको साधु संतों को आशीर्वाद नहीं चाहिए, वो बाबर के औलाद हैं। वो तो कहते हैं ना कि राम जी तो कण कण में बसे हुए हैं, वो दिखावा नहीं करते। हाँ तो ठीक है, तो मन मंदिर में भी तो राम जी हैं, तो मन को निर्मल करोगे तब ना राम जी रहेंगे। मन को निर्मल ही नहीं करोगे तो राम जी आएंगे कैसे? इसके नाते मेरा कहना यही है कि कण कण में भगवान राम की व्यापकता है, लेकिन वो जन्मभूमि की बात है तो जन्मभूमि आना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।